यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। और मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी को कई बार खुले मंच से देखा गया। सबके सामने ये गुटबाजी आ चुकी है, लेकिन अब बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नजर नहीं आता। कभी राजकुमार सैनी के बयान सामने आते हैं, सरकार की मुश्किलें बढ़ जाती है, तो अब केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मनोहर सरकार पर जमकर बरसे। और यहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री की ये नाराजगी सीधे सीएम मनोहर लाल से थी, और नाराजगी भी इस हद तक थी कि जब मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर विकास कार्यों पर चर्चा के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ, तो यहां मंच से राव इंद्रजीत ने प्रदेश सरकार को खूब खरी खरी सुनाई। हरियाणा सरकार से ये तक कह दिया कि चुनाव में सरकार सांसदों की मदद करेगी, ये उम्मीद नहीं है। देखिए अपनों की नाराजगी पर ये खास रिपोर्ट। गुरुग्राम में एक बार फिर से सरकार के खिलाफ आवाज उठी। आवाज राव इंद्रजीत की थी। इस आवाज के जरिए राव इंद्रजीत की नाराजगी साफ जाहिर हुई, और ये नाराजगी प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर से है। दरअसल गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह हीरो होंडा चौक पर अंडरपास के उद्घाटन पर पहुंचे थे। वहां तमाम प्रशासनिक अमला भी मौजूद था, जहां सीएम को भी पहुंचना था, लेकिन सीएम हीरो होंडा चौक न पहुंचकर सीधे सेक्टर 14 पत्रकार सम्मान समारोह में पहुंचे, जिसके चलते राव इंद्रजीत सिंह को करीब 20 मिनट सीएम का इंतजार करना पड़ा, जिस कारण राव इंद्रजीत की नाराजगी मीडिया के सामने आई। गुरुग्राम में ही केंद्र सरकार के 4 साल के कार्यकाल को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समेत प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर समेत तमाम स्थानीय विधायक भी मौजूद थे। बस इस मौके को देख राव इंद्रजीत सिंह ने भीषण गर्मी के बीच अपने अभिभाषण में एक के बाद एक आग का गोला सरकार पर फेंका। राव इंद्रजीत सिंह ने साफ तौर पर सरकार पर वायदा खिलाफी का भी आरोप लगाया। राव इंद्रजीत सिंह ने साफ किया कि केंद्र ने जो काम किए हैं उनका श्रेय भी पूरा हरियाणा सरकार दे रही है, जबकि सांसद को भी उनका श्रेय मिलना चाहिए। और आज इस तरह की सबके सामने देश की मंत्री भी हो तो पब्लिक में क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं। आज मैं आया था केंद्र सरकार के विषय के अंदर बात करने के लिए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है कि जो मेरे दिल के अंदर बात होती है वो मेरे को कहनी पड़ती है। आज मुझे उदासीनता से ये कहना पड़ रहा है कि मुझे आपसे कोई खास उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन के अंदर आपकी सरकार अंग्रेज की मदद करेगी। और जो उद्घाटन होना था हीरो होंडा चौक का, मैं कभी कैसे कराया, सीता ही बात में बताया है, वो आप नहीं बैठी, मैं तो होकर के आ गया, आपने टाइम दिया था, मैं होकर के आ गया, आप नहीं पहुंचे, मेरे को टेलीफोन कर देते, आपके डीसी हैं, आपके एसपी हैं, कोई तो खबर करे कि हम वहां खड़े रहे, केंद्र सरकार का कार्यक्रम हो, केंद्र सरकार पैसा लग रहा हो और हम धूम दबा करके चले जाए, तो ये तो हम नहीं करेंगे। सांसद राव इंद्रजीत की नाराजगी का सिलसिला यही नहीं रुका। राव इंद्रजीत ने तो इतना तक कह डाला कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार का सांसदों को कोई सहयोग नहीं मिलेगा, सरकार सिर्फ अपने गुणगान में लगी है। अपनी नाराजगी में राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों को भी लपेटे में लिया। स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया, अब मैं तो मंत्रालय में भी था, मैंने चाहा कि पता चले कि देश के 100 शहर ले लिए गए हैं स्मार्ट बनाने के लिए, हरियाणा का भी नंबर आ गया, हमारे 2 ले लिए, एक फरीदाबाद ले लिया, एक जांच में मुख्यमंत्री जी चीफ मिनिस्टर साहब ने वो ले लिया। अब मैं कई बार सोचता हूं अगर चीफ मिनिस्टर सुभाष बराला होते हैं तो क्या ये फरीदाबाद और कटरा हो जाता, कहीं इसका हल्का तो नहीं बन जाता स्मार्ट। और खुदा ना खासा अगर छप्पर फाल की नहीं बन जाता तो गुड़गांव क्या बनता, तो नहीं बनता। सवाल इस बात का है कि वायदे पिछले दिनों से हो रहे हैं हम कर रहे लोगों को, गुड़गांव को स्मार्ट बना देंगे, स्मार्ट सिटी के बराबर बना देंगे, अगर बदमाश नहीं बना देंगे तो भैया सीएम साहब मैं तो आपसे हाथ जोड़ता हूं, मैंने इलेक्शन 1 साल के अंदर लड़ना है, इसके विषय के अंदर कुछ करके दिखा दो, स्मार्ट बना दो उसको हमारी सिटी को, ताकि मैं इलेक्शन लड़ने के काबिल हो। सांसद
सांसद राव इंद्रजीत सिंह की जगजाहिर नाराजगी को देखते हुए सीएम खट्टर ने भी जवाब देने में देरी नहीं की और स्टेज से ही अपने आप को राव इंद्रजीत सिंह का कायल बता दिया। तो वही सुभाष बराला ने राव इंद्रजीत के बयानों को नाराजगी नहीं माना। कम्युनिकेशन था और ऐसी कोई नाराजगी वाली बात नहीं है और ये अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति अपने मन की बात कह देता तो सारी बातें खत्म हो जाती हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी और हम सब ने उस बात को उसी अंदाज के अंदर लिया है। बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम लोकसभा से चार बार सांसद रह चुके हैं और दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता है। चार साल पहले राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था कि उन्हें वहां सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये नाराजगी राव इंद्रजीत सिंह अपने मन में रखते हैं या ये नाराजगी आगे तक जाएगी। खबरें अभी तक के लिए गुरुग्राम से गुलशन गरोवर के साथ अनिल मोर की रिपोर्ट। तो राव इंद्रजीत की प्रदेश सरकार से नाराजगी जो है वो नजर आई। मौका था मोदी सरकार के चार साल पूरे होने के मौके पर विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जा रही थी, लेकिन यहां पर राव इंद्रजीत की नाराजगी जो है वो मंच से सबको नजर आई। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसी को लेकर करेंगे आज चर्चा। बिल्कुल, इसको लेकर चर्चा करेंगे और खासतौर पर जब ये नाराजगी जाहिर की गई है वो वक्त क्या है वो भी अपने आप में बेहद खास कर देता है इस नाराजगी को कि 2019 के चुनाव होने हैं, वोट मांगे जाने हैं, इस बात की भी चिंता है कि कितने विकास कार्य करवाए गए, अपनों पर आरोप लगा दिए गए कि हरियाणा सरकार विकास नहीं करवा पाई, केंद्र की सरकार ने जितना विकास करवाया है उसका क्रेडिट लेने की कोशिशें की जा रही हैं। एक खास पैनल हमारे साथ है, बीजेपी से कुलभूषण भारद्वाज जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, साथ ही इनेलो से दिलबाग नैन साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। कुलभूषण भारद्वाज जी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, बताएं राव इंद्रजीत को आपने सुना, क्या राव साहब नाराज हैं आप लोगों से? नहीं, राव साहब नाराज नहीं है, जो समय दिया गया था क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था और माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में शिरकत करने गए हुए थे जिस कारण से वहां पर लेट हो गए और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर के अंदर थे वहां पर सवाल स्थापित नहीं हो पाया जिस कारण से तालमेल का अभाव हो गया, एक चूक हो गई जी। और जहां तक नाराजगी की बात है, अगर नाराजगी होती तो राव इंद्रजीत जी वहां पर आते ही क्यों? राव इंद्रजीत जी ने अपनी बात को रखा और मेरा मानना यह है कि सही मायने में लोकतंत्र अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जी, आपकी बात ठीक हो सकती है एक हद तक, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म हो सकता था, पार्टी से जुड़ी अगर दिक्कत है, अगर राज्य सरकार के विकास से संतुष्ट नहीं है सांसद तो पार्टी के भीतर की बात है, वो मीडिया के सामने आ जाती है, वो मंच पर बोलती है, फिर आपको लगता है डेमोक्रेसी है इंटरनल? आप विकास की बात कर रही है तो आप मानेसर का आप जो वो बना है पुल बनाया आप उसको देखिए, फ्लाईओवर जो बनाया है, अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो आप अंडरपास देखिए रोंडा का, अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो आप जो अपना ये टावर का अंडरपास देखिए, उन्होंने उनकी जो पीड़ा थी। राव साहब कहते हैं कि केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट का श्रेय जो है वो प्रदेश सरकार कम से कम ना ले, कल उन्होंने मंच से बोला है। नहीं, उन्होंने कहना ये था कि इसके अंदर केंद्र का पैसा भी लगता है और राज्य का पैसा भी लगता है तो दोनों को मिलकर जब पैसा लगाते हैं तो उनको शाब्दिक अर्थ जो थे वो तो समझ में आते हैं सर, आप कुछ माने ना माने आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन आपकी पार्टी की सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री जब ये कहे कि गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, 2019 में चुनाव आने हैं, वोट लेने जाना है, जनता को जवाब क्या देंगे, ये चिंता की बात है, आएंगे आपके पास। नैन साहब क्या लगता है, क्या परेशानी है? पहले भी कई सांसद जिनमें से धर्मवीर सिंह की बात कर ली जाए, राजकुमार सैनी की बात कर ली, वो पार्टी लाइन से अलग बोले हैं कई बार, लेकिन राव साहब एक बार फिर से बोले हैं और अब की बार जो बोला गया वो काफी दिलचस्प है कि विकास कार्य राज्य सरकार नहीं करवा पाई जबकि चार साल पूरे करने को है करीब करीब। देखिए ज्योति जी, ये तो सभी पूरे हरियाणा को ही पता है, जनता को भी पता है कि अभी चार साल से हरियाणा के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ जी। राव इंद्रजीत सिंह ने अब इलेक्शन लड़ने हैं, अब उसने ये अपने अलग से ये दिखाना जरूरी था क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह अपने आप को गुड़गांव रिवाड़ी उस एरिया का एक लीडर मानते हैं और जिसको टाइम जो एक सीएम के वेलकम के लिए सीएम को आने के इंतज़ार में खड़े रहे, तो ये बीजेपी जो सरकार है जो मुख्यमंत्री जी हैं
अब इनके हालात ये पैदा हो गए हैं कि देखो सांसद धर्मवीर जी हैं वो मेरे ख्याल 10 बार सरकार को लिख चुके हैं, रिटर्न में दे चुके हैं भी मेरा ये कार्य नहीं हुआ, ये कार्य नहीं हुआ। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर किए जाने की जरूरत है। हालांकि राव साहब नाराज हैं और ये बड़ी बात है अपने आप में, जिसके चलते बड़ी बहस हम कर रखे हैं, लेकिन बाकी पार्टियों में जो मतभेद हैं, मनभेद हैं, उनको नजरअंदाज नहीं कर किया जा सकता। कांग्रेस में सब सीएम पद के उम्मीदवार है कि नहीं शर्मा जी, आपको नहीं लगता? बालमुकुंद शर्मा जी सबके सब सीएम पद के उम्मीदवार हैं, आप कह चुके हैं कि कांग्रेस की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार अशोक तंवर होंगे। इनेलो की बात कर ली जाए, चाचा भतीजा की जो लड़ाई है, जो कि आरोप है, जो कि कांग्रेस बोलती है, जो कि बीजेपी बोलती है कि सीएम पद के लिए लड़ाई है, क्या ये 2019 को लेकर तैयारियां हैं? विषय वाइज ज्योति जी, आप, मैं आपको बताना चाहूंगा आप किस विषय पर बात करें। हम विषय ये लेकर चलेंगे कि ये दौर जो है, ये पद की है, ये कद की लड़ाई है, ये सभी पार्टियों में है, सब पार्टियों के भीतर है। जो आज आपने मुद्दा उठाया वो बहुत ही गहन चिंतन का विषय है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राव इंद्रजीत, हालांकि मैं उनको बहुत ज्यादा राव इंद्रजीत उस वक्त भी यही भाषा बोलते थे जब हुड्डा साहब सीएम होते थे, बोलते थे ही नहीं बोलते थे। मेरी बात तो सुनो, वीरेंद्र सिंह यही भाषा बोलते थे जब हुड्डा साहब सीएम होते थे। आपको कुछ मैसेज, कैप्टन अजय यादव भी यही भाषा बोलते थे जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होते थे। अगर आप सीएम पर आरोप लगाए जाते, अगर आप मुझे समय देंगे, अगर आप मुझे समय देंगे कुछ मैं ऐसे तथ्यात्मक चीजें आपको बताऊंगा जो आपको आपके आपको भी मतलब आप भी अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं उसे। ये जो डेमोक्रेसी सेटअप है उसमें सत्ता का विकेंद्रीयकरण किया जाता है। विकेंद्रीयकरण का मतलब है कि सांसद अपना काम करते हैं, विधायक अपना काम करते हैं, और नीचे की कड़ी तक जोड़ने के लिए, आखिरी आदमी तक जाने के लिए जिला परिषद है, पंचायत समिति है, सरपंच है, सरपंच से भी नीचे पंचायत मेंबर है, यानी कि सबकी भागीदारी जुड़े। सांसद या केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वे जो केंद्रीय योजनाएं हैं, केंद्र के पुल से जो काम करवाए जाते हैं उसका क्रेडिट अगर सांसद ये लें इलाके में जाकर के कि भाई ये मैंने काम करवाया है, वो जनता के जाके अपनी बात रखें ताकि दोबारा जब 5 साल के बाद मौका मिले लोगों में जाकर के अपनी बात रखेंगे कि ये पुल मैंने बनवाया केंद्रीय नीति से। मुख्यमंत्री ने अपने कुछ चाटुकार लोगों को घेर के, या जो ये लोबी है ना, ब्यूरोक्रेट लोबी, वो मुख्यमंत्री को एक इस तरीके से अपनी ग्रिप में ले लेती है कि छोटी छोटी योजनाएं हैं जिस पर MLA को फीता काटना चाहिए वहां भी मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं। एक तो नाराजगी का ये कारण है। अब आप कांग्रेस पर आ जाइए, कांग्रेस में भी ये मनोवन स्थिति, मैंने पहले कहा राव इंद्र क्या, एक और हरियाणा की बदनसीबी मानो आप इसको, ये एक पॉकेट बन गई। जैसे अहिरवाल जो क्षेत्र बोलते हैं, राव इंद्रजीत हो या अहिरवाल का कोई भी नेता हो, उन 3 डिस्ट्रिक्टों से बाहर ये ना निकलते ना सोचते। राव इंद्रजीत के आज दौरे देख लो हरियाणा में, एक भी आपको दौरा नहीं मिलेगा, वो कभी अंबाला आए हों, कभी हिसार आए हों, कहीं नहीं जाते, वो अहिरवाल में अपनी राजनीति को मतलब रोटियां सीखते हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो चाहे बीजेपी के नेता। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हुड्डा साहब जब देशवाली बेल्ट के अंदर ही रहते हैं, वहां चुनाव लड़ते हैं, तो अहिरवाल बेल्ट के नेता अहिरवाल बेल्ट में ही रहेंगे। तो आज हुड्डा साहब का क्या रसूआ? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर कहता हूं, आज हुड्डा साहब की कोई सर्वमान्यता नहीं रही, वो केवल 2-3 डिस्ट्रिक्टों के वहां जाते हैं, वही प्रोग्राम करते हैं, पूरे हरियाणा में तो उठी होती है। बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर से ये कहा जाना। हालांकि आपके सभी विधायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ विधायक नहीं जाते। जानकारी नहीं है सीएलपी लीडर कौन है? सीएलपी लीडर सर हाईकमान तय करता है, लेकिन विधायक किसके साथ हैं वो अलग कॉन्सेप्ट है, आप जानकारी दुरुस्त कीजिए। अशोक तंवर के नेतृत्व में राजेंद्र चालू जी, क्या लगता है आपको फिर क्या कुछ चल रहा है इन दोनों ही पार्टियों की? अगर हम बात करें तीन पार्टियों की, बात करें क्यों ये वर्चस्व की लड़ाई जो है देखने को मिल रही है? आएंगे जालौन साहब, देखिए राव इंद्रजीत सिंह जी जो है कांग्रेस में बड़े प्यासे थे वो, और वो उनकी प्यास बीजेपी में आखिर भी पूरी नहीं हुई। उन्होंने कोई पहली बार ये मुद्दा नहीं उठाया है, जब ये इन्होंने 2016 में गुड़गांव में हैपनिंग हरियाणा कार्यक्रम करवाया था जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स को बुलाया था, उसमें राव इंद्रजीत मौजूद थे। जब उनको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने गुड़गांव की तमाम समस्याएं उठाई और आज भी वो उसी तरह से उन समस्याओं को उठा रहे हैं। अब इसमें कुछ तो उनकी एम्बिशंस भी हैं कि वो आगे अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, कांग्रेस में भी रखना चाहते थे, और एम्बिशंस लोकतंत्र में कुछ स्वाभाविक भी होती हैं, और वो उनको एक ईज ऑफ डूइंग भी मिलता है कि ठीक है आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं तो कुछ करिए, करके दिखाइए, और पार्टी नेतृत्व से भी उम्मीद रखिए और करवाइए। एम्बिशन है जो बोल रहे हैं कुलभूषण जी, एम्बिशन है राव इंद्रजीत साहब की जो बोल रही है, और हर बार जो देखते हैं वो पार्टी लाइन से अलग जो है जाते हुए बोलते हुए नजर आते, कहीं ना कहीं उनकी एम्बिशन है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष को जो है मैंने कहा ना विकास नजर नहीं आ रहा है विपक्ष को। कांग्रेस पार्टी 10 साल तक हरियाणा के अंदर राज किया, इन्होंने हीरोहोंडा चौक, मानेसर फ्लाईओवर, अंडरपास राजीव चौक, अंडरपास टावर, इनकी तरफ ध्यान ना देकर, इको चौक की तरफ ध्यान ना देकर इन्होंने केवल और केवल जनता को सीएलओ की सरकार रही है। और आज जब हरियाणा के अंदर
माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हाँ। विकास कार्य जनित के हो रहे हैं तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। शर्मा जी देखिए, ये लोग कभी इंद्रजीत जी के आलोचना करेगा, विपक्ष हमेशा कहेगा कि सरकार काम नहीं करेगी, लोकतंत्र की भूमिका भी यही है। लेकिन ये बाधवा जी आप तो कहीं लाइन में नहीं थे, बाई चांस सत्ता में आए हरियाणा में फ्लाई ओवर का आपको करने दीजिए। जब पहले कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं आप, हुड्डा कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं आप, अशोक कांग्रेस एक है सौर तंवर के नेतृत्व में कांग्रेस काम कर रही है हरियाणा में, आपको पता होना चाहिए। सुरजे वाला कांग्रेस की ओर से बोल रहे हैं, पहले आप ये स्पष्ट करें। नहीं, आप ये स्पष्ट करिए ना, आप इतने आपने फ्लाई ओवर का नाम, आपको पता होना टेक्निकली उसमें कोर्ट केस थे और आप तो बाई चांस सत्ता में आए हो, आप तो बी टीम रहे हैं लोक दल की, आपके दो विधायक बनते रहे हैं, आप कांग्रेस कांग्रेस ने तो 40 साल सत्ता में राज किया, 1966 हरियाणा निर्माण से आज तक कांग्रेस सत्ता में रही है और कांग्रेस ने विकास किया। देखिए सवाल का जवाब नहीं आएगा, बीजेपी से सवाल ये है सर, देखिए प्लीज एक बार के लिए सवाल सुनिए, आसान हो जाएगी बात। आपने कहा कि विपक्ष को तो विकास नजर नहीं आता, विपक्ष को नजर नहीं आएगा, आप लोगों को भी विपक्ष में रहकर नजर नहीं आया था, लेकिन सांसद को नजर ना आए, सरकार के सांसद को लगे राज्य सरकार काम नहीं कर रही, क्या उन्होंने विकास करने के लिए बिल्कुल नहीं बोला है। उन्होंने जो बोला है, राव इंद्रजीत ने केवल एक बात बोली है कि समय दिया था, उस समय पर आप लोग नहीं पहुंच पाए, और उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच पर ही बताया, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होने के कारण लेट हो गए। रविंद्रजीत सिंह ने कहा कि सुभाष बराला अगर मुख्यमंत्री होते तो टोहाना तक का विकास कराते, उसको स्मार्ट सिटी बनवा लेते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल को या फरीदाबाद को जो स्मार्ट सिटी के लिए चुने गए उनको स्मार्ट नहीं करवा पाए, गुरुग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी 90 की 90 विधानसभा की जो सीटें हैं, चाहे वहां पर किसी भी पार्टी का विधायक है, समान रूप से काम कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ आपसे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा के अंदर सभी विधानसभाओं दौरे किए हैं। देखिए आपकी पार्टी के अंदर भी इस तरह की दिक्कतें कई बार पेश आती हैं, जो कि कई बार हम सवाल भी करते हैं सोशल मीडिया पर, अगला सीएम दुष्यंत चौटाला, अगला जननायक दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला साहब अलग से गिरफ्तारियां जिस तरह से दे रखे हैं, हालांकि जलयुद्ध का नेता वो खुद को मानते हैं, क्या लगता है आपकी पार्टी के भीतर भी सीएम पद की दौड़ की लड़ाई है? ज्योति जी देखो, ऐसे हमारी पार्टी के अंदर कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, ये तो सिर्फ दूसरे विरोधी लोगों ने, दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, अब इनको पता लग गया है कि भी अब इनेलो आने वाली है, तो कोई न कोई बहाना ढूंढ के किसी न किसी तरीके से इन्होंने ये सोच के कि भी अब इनकी फूट कैसे की जाए। अब देखो कांग्रेस के अंदर किरण चौधरी कहती है भी मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, इधर से तंवर साहब कहते हैं जी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उधर अपना हुड्डा साहब कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और भी पता नहीं कितने नेता हैं इनके मुख्यमंत्री बनने के। हमारे पास चाचा भतीजा की लड़ाई आप कब से बताने लगे हैं, जब से हमारा बीजेपी बीएसपी और इनेलो का समझौता हुआ, उससे पहले की बात, उससे पहले का कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। अब यह मुद्दा इसलिए उठाया गया कि सरकार इनकी बनने जा रही है और इनको कैसे तोड़ा जाए अगर सरकार बनने जा रही है, समझौता क्योंकि आप रही बात, मैं आपके बीच नहीं बोला, रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जैसे इन्होंने कांग्रेस के भाई साहब ने बोला है कि बी टीम है इनेलो, मैं आपको बता दूं कि बी टीम तो अपना ये बीजेपी है, मैं आपको बता दूं बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है, जितने बीजेपी में सांसद हैं मैक्सिमम सारे के सारे कांग्रेस से गए हैं और उनकी जो सोच है वो अब भी कांग्रेस वाली है, जैसे कांग्रेस के अंदर वो भागते थे एक दूसरे के छोड़, ऐसे ही अब बीजेपी में भाग रहे हैं। जब राव साहब ने, सुनिए सर, जब राव साहब ने कांग्रेस छोड़ी बीजेपी में वो आए तो जो बात कही गई, जो हवाला दिया गया कि सम्मान नहीं मिला, अब एक बार फिर से यही राग लापा गया कि सम्मान नहीं मिला, तो क्या लगता है किसी तरह के बदलाव की सुगबुगाहट ये है? देखिए राव इंद्रजीत ने अपनी एक पार्टी का बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी कांग्रेस में रहते हुए, और वो जब उनका बीजेपी के साथ डायलॉग शुरू हो गया तो उन्होंने फिर वो ड्रॉप कर दिया, और उससे जाहिर ही है कि वो उनके एम्बिशंस जो है पूरे नहीं हो पा रहे, वो एम्बिशंस उनके वहाँ कांग्रेस में पूरे नहीं हो रहे थे इसलिए वो बीजेपी में आ गए, और बीजेपी में भी उनको जो उनकी अपेक्षाएं थी, जितनी उनको उम्मीद थी उतना नहीं मिला। विकास अपनी जगह है, मैं समझता हूँ कि गुड़गांव के विकास पर हरियाणा सरकार वैसे ध्यान दे रही है, कमियाँ तो लगभग बनी रहती हैं, विकास से ज़्यादा उनकी एम्बिशंस काम कर रही हैं और उनको लगता है कि चुनाव नज़दीक हैं तो वो कुछ और ज़्यादा भी एक्स्ट्रा करके दिखाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और वो जो बीजेपी ने जोश में कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस के लीडर्स को तो ले लिया, लेकिन उनको अपनी कल्चर में वो अभी पूरी तरह ढाल नहीं पाई है, तो उसका मतलब ये राव इंद्रजीत की जो
असंतोष जो जाहिर होता है उसका मतलब ये है कि वो बीजेपी की संस्कृति में अभी ढल नहीं पाए। देखिए शायद जो बात आपने कही जादौन साहब की संस्कृति में बीजेपी की में ढल नहीं पाए, यही वजह रही कि उन्होंने जब बात की गई उनसे खास बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि फ्रिक्शन है कहीं ना कहीं बीजेपी में और उनके बीच में, बीजेपी जो है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अभी सुनवाते हैं आपको क्या कुछ उन्होंने कहा था जब उनसे बातचीत की गई थी, खास बातचीत की गई थी। तो क्या कुछ कहा गया था वो सुनवाएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल कुलभूषण शर्मा जी आपसे सवाल यही है सर, भारद्वाज साहब क्या लगता है कि आपको राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं जो कि बार बार वो इस तरह की बातें बोलते हैं। 2016 का वो वक्त याद आपको होगा जब उनकी ओर से कहा गया था कि गुरुग्राम के विकास को 50 कोड़ी के वो बाबू नहीं होने देते जो कि चंडीगढ़ में बैठे थे। आप चंडीगढ़ में कौन बैठा ही आप सोच सकते हैं किस पर निशाना साधा गया था। राव इंद्रजीत जी ने कहा कि जीडीए गठन होना चाहिए, वो गठन हो गया। राव इंद्रजीत जी ने जब भी किसी बात को लेकर सरकार को कोई सुझाव दिए हैं सरकार ने उस पर अमल किया है, क्योंकि राव इंद्रजीत जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं गुरुग्राम से और हमारे केंद्र के अंदर राज्य मंत्री हैं। मैं एक बात आपसे बार बार कहना चाहता हूं कि जब जिस समय कांग्रेस पार्टी को राव इंद्रजीत जी ने छोड़ा था, उन्होंने कहा था कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं और विकास कार्य केवल और केवल एक विशेष जगह पर स्थान पर हो रहे हैं, पूरे हरियाणा में नहीं हो रहे हैं। आज के विषय है अभी भी मानते हैं कि विकास नहीं हो रहा है। दक्षिण हरियाणा का विकास की ही अगर बात करें तो वो अभी भी मानते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर अनुभवी सीएम होता तो विकास होता। राव इंद्रजीत जी ने एक भी बात विकास कार्यो को लेकर नहीं की। उनकी जो पीड़ा थी उन्होंने कहा कि समय जो बताया गया था उस पर वो नहीं पहुंचे, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े अच्छे तरीके से उनको बताया, बड़े आराम से उनको बताया, और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को भी स्वीकार किया कि मैं राव इंद्रजीत जी का कायल हूँ कि वो जो अपने मन में बात होती है उसको ऐसे कह देते हैं। नहीं नहीं, मन में बात होती है तो उसके लिए पार्टी का मंच होता है बोलने के लिए। नहीं वो देखो समझने की बात, अब वो अगर उन्होंने कहा है तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बोल ये प्रकरण ही समाप्त हो गया और उन्होंने अपनी बात को रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात से जवाब दिया बड़े अच्छे सही तरीके से, अच्छे हल्के फुल्के अंदाज में। तो मेरा मानना है कि ये प्रकरण यहीं पर समाप्त हो गया। अगर हमें देखना है तो ये देखना है कि इतने लोग मानेसर के लोग आने जाने वाले लोग जितने परेशान थे, ये भी कहा गया राजीव गांधी के ऊपर अंडरपास मिला, सुनिए सर हिरोना चौक पर अंडरपास मिला, हमें नजर आता है, हम उसको मान भी लेंगे, लेकिन सवाल वही बरकरार है जिससे बचकर आप निकल जाते हैं कि आपकी पार्टी के सांसद को विकास नजर नहीं आता। अगर आता है तो केंद्र की सरकार ने करवाया है, मनोहर सरकार ने नहीं करवाया है, ये उनका कहना है। आएंगे आपके पास, सवाल भी करेंगे, आएंगे आपके पास। नैन साहब ये भी कहा गया राव साहब की ओर से कि उन्हें विश्वास नहीं है, उन्हें उम्मीद नहीं है कि 2019 के चुनाव में पार्टी सांसदों की किसी तरह की मदद भी करने वाली है। नहीं, सांसदों की मदद वो कर ही नहीं सकती क्योंकि उन्होंने विकास करवाया नहीं, किस मुद्दे पे मदद करेगी सांसदों की। कोई भी सांसद आज इस सरकार के साथ नहीं है, सरकार का सांसद होते हुए भी सरकार के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने जनता में जाना है, जनता के काम हुए नहीं है। चाहे आप करनाल वाला सांसद की बात ले लो, वो उनके खिलाफ थे, चाहे वो इस वाले भिवानी वाले धर्मवीर सिंह की बात ले लो, और कुरुक्षेत्र वाला तो शुरू से ही इनके खिलाफ रहा है राजकुमार सैनी। देखो शुरू से ही कहता रहा है कि भाई विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, और ये फिर भी नहीं सुन रहे। ये कहते हैं जी हमने तो विकास की जड़ी लगा दी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भी अभी तो सांसद बोलने लगे हैं, अभी एक साल इसको बीजेपी को रह गया है, अब नंबर विधायकों का आना शुरू हो जाएगा। विधायक भी क्योंकि उन्होंने सिमती वोट लेनी है, सिमती वोट उनको जब मिलेंगे जब वो इसके बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे। तो अभी बीजेपी के खिलाफ जितने भी बीजेपी के विधायक हैं वो एक एक करके निकलने शुरू हो जाएंगे। चलिए विकास की बात कर रहे हैं, कुलभूषण भारद्वाज जी आप कहते हैं कि उन्होंने विकास को लेकर कुछ कहा ही नहीं, प्रदेश सरकार तो विकास करिए। सुनवा देते हैं आपको कि क्या कुछ उन्होंने कहा विकास को लेकर हरियाणा के। स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया, अब मैं तो मंत्रालय में भी था अर्बन डेवलपमेंट के अंदर, मैंने चाहा कि पता चले कि देश के 100 शहर ले लिए गए हैं स्मार्ट बनाने के लिए। हरियाणा का भी नंबर आ गया, हमारे दो ले लिए, एक फरीदाबाद ले लिया, एक जहां से मुख्यमंत्री जी चीफ मिनिस्टर साहब ने वो ले लिया। अब मैं कई बार सोचता हूं अगर चीफ मिनिस्टर सुभाष बराला होते हैं तो क्या ये फरीदाबाद और कटरा हो जाता, कहीं इसका हल्का तो नहीं बन जाता स्मार्ट। और खुदा ना खास का अगर छप्पर फाड़ की नहीं बन जाता तो गुड़गांव क्या बनता, तो नहीं बनता। सवाल इस बात का है
कि वायदे पिछले दिनों से हो रहे हैं, हम कर रहे लोगों को गुड़गांव को स्मार्ट बना देंगे, स्मार्ट सिटी के बराबर बना देंगे, अगर बदमाश नहीं बना देंगे तो भैया सीएम साहब मैं तो आपसे हाथ जोड़ता हूं, मैंने इलेक्शन इस साल के अंदर लड़ना है, इसके विषय के अंदर कुछ करके दिखा दो, स्मार्ट बना दो उसको हमारी सिटी को, ताकि मैं इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाऊं। कह रहे हैं कि स्मार्ट बना दो गुरुग्राम को ताकि इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएं, क्योंकि गुरुग्राम को आपने स्मार्ट नहीं बनवाया, जो पहले थे जो है विकसित था ज्यादा हरियाणा में। इसके अलावा फरीदाबाद करनाल चुने गए जो कि यहां पर स्मार्ट बना रहे थे पर हुए नहीं। कुलभूषण जी देखिए, हर सांसद को अधिकार है कि वो अपने लोकसभा के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उन बातों को रखे, अपने पीठ को रखे और ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कराएं। तो मेरा मानना यह है कि जो रविंद्र जी की ने जो बातें कही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी है बातें, उनका दायित्व बनता है, उनका फर्ज बनता है। उन्होंने गुरुग्राम के मतदाताओं से, लोकसभा के मतदाताओं से वोट लिया है, ठीक है, मत लिया है, तो उनकी उनकी बात को रखना, उनकी बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री को उनका दायित्व बनता है। एक बार के लिए आपकी सारी बातें मानेंगे, लेकिन क्या आप ये बात मानेंगे कि सीएम को कहना होता तो बंद कमरे में भी कह सकते थे, वो संबोधित कर रखे थे, उनके सामने जितने भी लोग बैठे थे सबने सुना, मीडिया के सामने बात आ गई, कि आपको लगता है सीएम और सांसद के बीच की बात है सिर्फ? मेरा मानना यह है कि मैंने भी जैसा आपसे कहा कि हमारी पार्टी के अंदर ये व्यवस्था है कि हम खुले मंच पर भी अपनी पीड़ा को व्यक्त करने का अधिकार रखते हैं, और हमारे जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो, वो उसको बड़ी सहजता के साथ लेते हैं और उस पर वो अपनी बात रख सकते हैं आराम से। ये हमारी पार्टी का लोकतंत्र है कि अपनी तरह की राजनीति जो है बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी कर रही है, क्योंकि राजकुमार सैनी जब पार्टी लाइन से अलग जाकर बोलते हैं तो उनके साथ में ओबीसी वर्ग जो है वो जो वोट बैंक है वो जुड़ा हुआ है। अगर राव इंद्रजीत सिंह जो है वो पार्टी लाइन से अलग जाकर बात करते हैं तो वहां पर दक्षिण हरियाणा का वोट बैंक जो है वो उनके साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसे ही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो दलित के तौर पर जो है सीएम चेहरे के तौर पर जो है भावी सीएम जिसको कहा था बालमुकुंद शर्मा जी ने, वो जो है अलग खड़े कर रखे हैं। भूपेंद्र सिंह जो है वो अलग है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो अपनी तरह की राजनीति जो है हर वर्ग को साधने की कोशिश है ये कहीं ना कहीं। जादून साहब देखिए, साफ ही दिखाई दे रहा है कि सांसदों का जो नेतृत्व है अगर देखा जाए तो सही मायने में प्राइम मिनिस्टर करते हैं या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। वो अगर सीधा जो है सीएम पर हमला कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पर्सनैलिटी कल्ट लेकर चल रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं अपने क्षेत्र के मतदाता को कि मैं उनके लिए कितना संघर्ष कर रहा हूं और अपने कद को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी जवाब के साथ वापस आएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, उसके बाद चर्चा को जारी रखेंगे कि सांसद बोले हैं, नाराजगी जाहिर की गई है, ये जो बात है कितनी दूर तक जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने खरी खरी सुनाई है और साथ ही प्रदेश सरकार को यहां पर जो है उनकी ओर से खरी खरी सुनाई गई, प्रदेश सरकार की ओर से जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं उनको लेकर भी जो है निशाना साधा गया सांसद की ओर से। इसके अलावा भी मंच से जो है यहां पर नाराजगी अपनी व्यक्त करते हुए नजर आए हैं, लेकिन नाराजगी उन्होंने इससे पहले भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर अनुभवी सीएम हरियाणा प्रदेश का होता तो हरियाणा का विकास जो है, समूचे हरियाणा का एक समान विकास जो है वो संभव हो पाता। क्या कुछ उन्होंने और कहा था, खास बातचीत में सुनवाते हैं आपको। जब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, हालांकि काफी समय आपको हो गया है, 2013 में आपने ज्वाइन की, उसके बाद भी आपको बहुत ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी एक्सेप्ट नहीं किया गया उतनी आसानी से। ये कैडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी थी। मैं अपने आप को मास बेस्ड लीडर समझता हूँ, तो जहाँ मास बेस्ड लीडर का और कैडर बेस्ड पार्टी का मिलन होता है वो थोड़ी सी फ्रिक्शन हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये सीख जाएगी कि मास बेस्ड लीडर की भी आवश्यकता है और मास बेस्ड लीडर ये समझ जाएंगे कि भी कैडर की भी आवश्यकता है जी। लेकिन क्योंकि ये 2019 चुनावों की दस्तक जो है वो अब सुनाई देने लगी है, लेकिन ये फ्रिक्शन जो है क्या ये वहाँ पर नजर आएगा या खत्म हो जाएगा तब तक? ये तो भविष्य की बात है, कौन कह सकता है कि क्या होगा कल। लेकिन आज के दिन तो मैं यही कह सकता हूँ कि सरकारें दोनों हमारी ऊपर की और नीचे की प्रयासरत हैं कि जो वायदे किए थे उसको पूरा करा जाए। लेकिन साथ ही राव साहब, क्योंकि जिस तरह से हमने जो आपकी रैली हुई उसमें भी नारे सुने और साथ ही जो इससे पहले भी जो है उम्मीदें रही हैं कि मुख्यमंत्री जो है हरियाणा प्रदेश के वो राव साहब बनेंगे, और कल भी लोगों की मांग जो है हमने रैली के दौरान सुनी, तो ऐसे में क्या मुख्यमंत्री की दावेदारी आप यहाँ रखने वाले हैं? मैं रखने वाला तो कौन हूँ, तो पार्टी या तो पार्टी बनाती है या जनता बनाती है। तो जनता की मांग ज़रूर थी कि दक्षिणी हरियाणा से कोई मुख्यमंत्री बने, वो पार्टी ने नामंजूर कर दिया, किसी और को
मुख्यमंत्री बना दिया तो हम उसमें भी खुश हैं, लेकिन लोगों की मांग ज़रूर थी। और अगर लोग समझते हैं कि कोई अनुभवी लीडर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बना दिया जाता तो शायद उन क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा काम हो जाता जो अभी तक लाभ से वंचित रहे हैं, सरकारों के फलों से वंचित रहे हैं। कुलभूषण जी, सुना आपने कि अगर कोई अनुभवी लीडर जो है अगर वो मुख्यमंत्री बनता तो विकास जो है वो समान रूप से होता। फ्रिक्शन है अभी कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह की बीजेपी के साथ में। देखो, राव इंद्रजीत ने कितनी अच्छी बात कही कि पार्टी जो निर्णय करती है, पार्टी ने जो निर्णय किया है वो हमारे मान्य है, और जो इच्छा की बात है उन्होंने कहा जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने तो इसमें बुराई क्या है, जनता की इच्छा है, उनके इलाके के लोगों की इच्छा है। लेकिन उन्होंने बड़े अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते, अनुशासित सांसद होने के नाते उन्होंने स्पष्ट किया अनुशासित के पीछे क्या कोई टीस नहीं है, पार्टी तय करेगी हम उसका अनुसरण करेंगे। भारद्वाज साहब, क्या अनुशासन के पीछे कोई टीस नहीं है कि जितना मिलना चाहिए था कोई टीस नहीं है उनकी अपनी, जितना मिलना चाहिए था, जितना उनका कद था उतना उनको नहीं मिला, क्या वो टीस नजर नहीं आती आपकी पार्टी को या फिर आपको? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि देखो एक व्यवस्था है, पार्टी की संगठन की व्यवस्था है, और उस पार्टी और संगठन के अंदर जब हम काम करते हैं तो हम अपने संगठन और पार्टी के अनुरूप कार्य करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं। तो पार्टी और संगठन ने जो दायित्व राव इंद्रजीत जी और सोपाल को राज्य मंत्री बनाया तो उन्होंने उसको सहज स्वीकार किया और उसी रूप में अपने काम कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने साथ में कहा कि लोगों की इच्छा क्या है, नाराजगी तो नहीं कि उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया गया था आरती राव को पर जब इससे पहले 2014 में चुनाव हुए थे? ऐसा है ना जी, आंकलन आप उसका, उनकी बात का आंकलन आप किस तरीके से करते हैं ये तो आप पर निर्भर करता है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी ने जो तय किया है हम पार्टी के साथ हैं। हाँ। पार्टी केडर बेस्ड पार्टी, दोनों बातें नहीं, नहीं नहीं, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर अनुभवी लीडर जो है अगर वो मुख्यमंत्री बनता तो समान रूप से विकास हो पाता। नहीं, उनका उन्होंने कहा है कि अनुभवी है, माननीय है मनोहर लाल जी अनुभवी है, जिनके 90-90 विधानसभा में कार्य हो रहे हैं, समान रूप से विकास कार्य हो रहे हैं। याद देखिए ना, 90-90 विधानसभा में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी नहीं है वहां पर भी समान रूप से विकास कार्य हो रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि पार्टी की विकास। सुनिए सर, क्या विकास ना हो पाने का दुख है या फिर 2019 की तैयारियां हैं जिसको लेकर सांसद साहब तैयारियां कर रखी है, क्योंकि आपकी पार्टी में जब थे इसी तरह की भाषा बोलते थे कई बार। देखिए, रविंद्र जी का कद तो बड़ा है ये सच है, लेकिन ये सत्ता अलोलुपता है उनकी। सत्ता के लिए वो कांग्रेस में रहे, सत्ता बदलती दिखी, क्षमा की ढाल को देखते वो बीजेपी में चले गए। और अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इस तरीके का हालात रहे कि कांग्रेस की हवा हरियाणा में रही तो ये 3-4 MP हैं सारे कांग्रेस में आएंगे, ये उनकी अगुवाई करेंगे रविंद्र जी। रविंद्र जी सिंह है, धर्मवीर सिंह है, रमेश कौशिक है, ये लोग ना हरियाणा में 4-5 ऐसे हैं जो पाला बदलते रहते हैं। तो और बदलते रहते हैं मत कहिए, कम से कम राव इंद्रजीत के लिए मत कहिए। हाँ, बदलते देखिए, पार्टी हालांकि बनाई उन्होंने, उनकी कोशिश ये भी रखी कि रेवाड़ी से उनकी बेटी को टिकट मिल जाए, आपकी पार्टी में करीब करीब 35 साल रखे, उसके बाद वो बीजेपी में आते हैं। उनका ये नहीं है कि हर एक चुनाव में चुनावी मौसम देखकर वो पार्टी बदल लेते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। आपको पता नहीं, फिर मैं बताता हूँ, इन्होंने तो लोक दल का मंच ज्वाइन किया कई बार, ठीक है, मंच ज्वाइन किया, लेकिन बात नहीं बनी चुके हैं, वो अंदर की बातें हैं, उसको आप औपचारिक तौर पर नहीं कह सकते कि पार्टी ज्वाइन कर गए, बहुत बड़ा अंतर है। मैं ज्योति आपको एक बताऊं, मैं राजनीतिक बात करने के अलावा साफ स्पष्ट बात करने का आदी हूं, मैं आपके पास, मैं पहले भी मैंने बताया। हाँ। ये राजनीतिक धरातल की बात इनकी नहीं है, राजनीतिक सोच है ही नहीं राव इंद्रजीत की, वो केंद्रीय मंत्री है, मैं कहता हूं हरियाणा में एक भी जला ऐसा नहीं हुआ उन्होंने दौरा किया, हो सकता है मेरी जानकारी में, तो आप निकाल के मुझे दे देना। ये दक्षिणी हरियाणा की बात करते केवल अपनी सत्ता लोलुपता के लिए, जब 4 साल तक कांग्रेस थे दक्षिणी हरियाणा, बात नहीं की कांग्रेस के ऊपर, मैं खुद कहता हूँ ये बात, मैं खुद ये बात मानता हूं, मैं कहता हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूं कि, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये कोई राजनीतिक सोच और परिदर्शिता की बात नहीं है। राव इंद्रजीत को 4 साल के बाद क्यों दिखाई दी ये बात है, 4 साल के बाद क्यों दिखाई दी इनको? वरिष्ठ पत्रकार फोन लाइन पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। चलिए, संपर्क टूटा है, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, बताइए। मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं, राव इंद्रजीत जी 4 बार सांसद रहे हैं इस इलाके से, वो उसी इलाके से रहे हैं। और नहीं जी, सुना मेरी बात, सुन मेरे दोस्त, मेरी बात तो आप सुने, मेरा निवेदन आपसे, राव इंद्रजीत जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, राव इंद्रजीत जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, राव इंद्रजीत जी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र के अंदर राज्य मंत्री हैं, और वो सबका काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, और इसीलिए जनता उनको चुनती है।
तो मेरे साथी को क्या नजर आ रहा है, क्या नजर जी, जी, मैंने आपको बोला बार बार की ये केवल और केवल इनका जो दृष्टिकोण है वो नकारात्मक दृष्टिकोण है, ये विकास कार्य को नहीं देख पा रहे हैं। कृपया विकास कार्य को देखें जादौन साहब। हाँ जी, कहीं यही जरूरत तो नहीं है बीजेपी की कि रावण जगजीत सिंह का जो है कद दक्षिण हरियाणा में जो है वो काफी बड़ा है, और इसीलिए चाहे वो पार्टी लाइन से बाहर जाकर बात करते हैं लेकिन फिर भी बीजेपी सुनती है, राजकुमार सैनी बात करते हैं पार्टी लाइन से जाकर फिर भी बीजेपी सुनती है। देखिए बीजेपी की ये मजबूरी है, बीजेपी की ये पॉलिसी नहीं है कि वो इस तरह से अलग रह के बात करें, लेकिन बीजेपी की कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि ये जो राजकुमार सैनी की अपनी एम्बिशंस थी वो पिछड़ों का एक एजेंडा ले आए और उन्होंने सिर्फ उनका डेवलपमेंट की बजाय वो रिजर्वेशन के इशू पर ही लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि सारा ओबीसी वर्ग पूरा देश का मेरे साथ खड़ा हो जाए, तो ये एक एम्बिशन ही है कि वो ये चाहते हैं कि मैं एक वर्ग का ही मास लीडर बन के आ जाऊँ। तो राव इंद्रजीत भी यही चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो इस तरह की आवाज दे रहे हैं। लेकिन एक बात मैं दक्षिण हरियाणा का बड़ा नेता बन जाऊं, के हिसाब से राजकुमार सैनी और रविंद्रजीत सिंह को हम तुलना क्योंकि नहीं कर सकते हैं चुनावी राजनीति के लिहाज से, नहीं तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी टेंडेंसीज तो वही है ना कि वो एक वर्ग के नेता बनना चाहते हैं, वो एक क्षेत्र विशेष के नेता बनना चाहते हैं, और हमेशा ये होता है राजनीति में एक क्षेत्र विशेष से अगर आपकी जड़ें गहरी हैं तो आप पार्टी लीडरशिप पर दबाव डाल सकते हैं। मैं आपको अगर आपकी इजाजत हो तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे देता हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है जिसको पूर्वांचल भी कहा जाता है, वहां पूर्वांचल की लीडरशिप ही उनके पास थी और उन्होंने प्रेशराइज करके मुख्यमंत्री पद हत्या लिया। तो क्यों नहीं हम ये माने कि राव इंद्रजीत भी उसी लाइन पर जा रहे हैं, राजकुमार सैनी की भी वही एम्बिशन है। साहब क्या दबाव बनाने की कोशिश है ये राव इंद्रजीत सिंह की? नहीं बिल्कुल दबाव बनाने की कोशिश है, दबाव भी बनाने की कोशिश है, उसको आगे वोट लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वोट अगर कोई सहमति जिताएंगे जनता में जाके भी देखो इन्होंने काम नहीं किए, जब तक वो अपने जिसके काम नहीं किए सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो जनता उनके साथ कैसे लगेगी? सिर्फ जनता को साथ लगाने के समिति वोट लेने के लिए ये कर रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूँ, पहले तो ये था कि भी शायद लोकसभा में इनको वोट मिल जाएंगी या लोकसभा में इनके पास नेता होंगे जो इलेक्शन लड़ने के लिए, अब मुझे ये लग रहा है कि भी लोक इसमें अपना विधानसभा के अंदर तो एमएलए छोड़ छोड़ के भागेंगे अपने हलके, सीएम अपने हलके से नहीं लड़ेगा, वो भी हलका छोड़ के भागेगा। बात बात जी आप हंस रहे हैं, आप देख लेना आज मेरी बात सुन लेना, रोड शो के दौरान सीएम ने साफ कर दिया है तो करना देखना और दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भी अब सपने आपके सामने आ गए हैं कि आपके सांसद जो है ये भी छोड़ देंगे आपको, क्योंकि इनके पास कोई भी और तरीका है ही नहीं, ये भी आपको छोड़ने के लिए बैठे हुए हैं इसलिए आपके खिलाफ बोल रहे हैं। अगर आपके अगर भारद्वाज जी सरकार के साथ आपकी ये काम हुए होते वो सरकार से मिलके सीएम को मिलके भी बात कर सकते थे, अगर वो जनता के अंदर बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? जनता के अंदर बोलना मतलब जनता हमारे साथ हो जाए, ये क्लियर है सर? मुझे इस बात का जवाब आप दीजिए, ये बाप बेटे की पार्टी नहीं है, मैं आपको बता दूं ये पार्टी लोकतंत्र स्थापित पार्टी है, बाप बेटे की पार्टी नहीं है हमारी भी, जिस जिसके आप बात कर रहे हैं हमारा एक संगठन है और हरियाणा के अंदर हमारे से चलिए आगे बढ़ेंगे चर्चा में, से बड़ा कोई संगठन नहीं है हरियाणा के अंदर, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज आप पहली बार संगठन की पार्टी बताते रहेंगे, बीजेपी आप पर पारिवारिक राजनीति के आरोप लगाती रहेगी, हम चर्चा में लेकिन आगे बढ़ेंगे। भारद्वाज साहब क्या लगता है क्यों आपकी पार्टी के सांसद इस तरह से आरोप लगाते हैं, सरकार से अलग क्यों बोलते हैं? धर्मवीर सिंह की बात कर ली जाए, राजकुमार सैनी की बात कर ली जाए, कभी कभी अश्विनी चोपड़ा की भी बात कर ली जाए जिस तरह से वो बोलते हैं, रविंद्रजीत सिंह भी इसी तरह से बोलते हैं, हालांकि वीरेंद्र सिंह राज्यसभा सांसद हैं वो भी कई बार सरकार से अलग बोले हैं, क्या कारण है? क्या सहानुभूति हासिल करनी है या फिर वाकई विकास कार्य नहीं हो रहे? भारद्वाज साहब सुना आपने सवाल? हाँ जी, हाँ जी सुन लिया मैंने सुन लिया। चाहे आप राव इंद्रजीत जी की बात करें, चाहे आप करनाल के सांसद की बात करें, चाहे आप वीरेंद्र जी की बात करें, मैंने आपको बोला कि लोकतंत्र के अंदर एक स्वस्थ परंपरा, अगर सही मायने में लोकतंत्र है तो वो ये है कि अपनी बात को रखना, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चाहे वो मंत्री के रूप में हो, चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, वो अपनी सही बात को रख सकता है और पार्टी उसकी बात को सुनती है। ठीक है, यही बातें जब कांग्रेस में होती है भारद्वाज साहब तब आप लोग कहते हैं कि सीएम पद की लड़ाई है, कद की लड़ाई है, और जब आपकी पार्टी के अंदर होती है आपको लगता है कि आंतरिक डेमोक्रेसी है, इतना डिफरेंस क्यों अपनी सुविधा के हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, चाहे वो सांसद है, चाहे वो मंत्री हैं, आप देखो कोई भी कार्यक्रम होता है सारे एक मंच पर होते हैं, सभी के सभी। हमारे यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं है कि शैलजा गुट अलग काम कर रहा है
हुड्डा गुट अलग काम कर रहा है, सुरजे वाला गुट अलग काम कर रहा है, कवर गुट अलग काम कर रहा है, दिग्विजय गुट अलग काम कर रहा है, अभय चौटाला गुट अलग काम कर रहा है, अजय चौटाला गुट अलग काम कर रहा है। गुटबाजी बीजेपी में नजर नहीं आती है, लेकिन जब रैली करते हैं राव इंद्रजीत सिंह महेंद्रगढ़ जिले में, तो वहां पर मंच पर रामपला शर्मा कहते हैं अपने नेता राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में मैं ये ऐलान करता हूं, तो अपना नेता उन्होंने कहा राव इंद्रजीत सिंह को वहां पर? नहीं, अगर मान लो अपना नेता तो नेता है, उसमें क्या हो गया? मंत्री का नेता तो मुख्यमंत्री होता है ना, मंत्री का नेता तो मुख्यमंत्री होता है। हमारे हमने आपको बोला कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो पारदर्शी है, वो हवा हवाई नहीं है, वो कागजों में नहीं है, वो बोलने में नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से हल्के फुल्के अंदाज के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी उनकी बात का जवाब दिया और उन्होंने इस बात को सहज स्वीकार किया, उसके बाद उन्होंने अगर कोई प्रतिक्रिया दी तो आप बताएं। जादुन साहब, क्यों जब कांग्रेस में बात होती है तो इसे आपसी गुटबाजी का नाम दे दिया जाता है, जब बीजेपी में बात हो रही है तो इसको डेमोक्रेसी का नाम दे दिया जाता है? देखिए, बीजेपी में भी गुटबाजी है, बीजेपी गुटबाजी से कहां मुक्त रह पाई है? पहले भी जो है अटल अलवाणी के अलग अलग गुट थे और आज भी गुटबाजी चली आ रही है। अब ये है कि ये तो अपना बचाव करने के लिए दूसरे पर हमलावर रहते हैं कि वे कांग्रेस में गुटबाजी, पर ये है कि कांग्रेस में बहुत ज्यादा खुली गुटबाजी है, बीजेपी में ये है कि गुट बहुत अलग रह के सक्रिय नहीं होता, वो अपनी वॉइस उठाते हैं, रिजेंटमेंट असंतोष जाहिर करते हैं, कुछ एक्टिविटीज कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में बहुत खुले में होने लग जाता है कि भाई पूरे अपने समर्थकों के साथ लोग अलग ही काम करने लग जाते हैं, ऐसा बीजेपी में नहीं दिखाई देता, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन गुटबाजी तो बीजेपी में है। कोई भी पार्टी, मैं समझता हूँ, इन जनरल गुटबाजी से मुक्त हो नहीं पाती, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है कि जिसमें गुटबाजी पैदा होना स्वाभाविक ही है। तो गुटबाजी, राजकुमार सैनी का भी अपना गुट है, राव इंद्रजीत सिंह का भी गुट है, और रामविलास शर्मा का भी गुट है, और अनिल विज भी अपनी अपनी एक अलग वॉइस, तो बीजेपी में भी गुट है, गुटों से मुक्त नहीं हो पाई है कोई पार्टी, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गुटों का पैदा होना एक स्वाभाविक है। बालमुकुंद शर्मा जी, इस तरह की गुटबाजी के साथ कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किल होने वाली है 2019 में? मैं आपको ये बता रहा था, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई गुटबाजी नहीं है। आप देखिएगा, कोई भी कांग्रेस का नेता है, चाहे वो किरण चौधरी जी हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो शैलजा जी हो, या कुलदीप बिश्नोई हो, या रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, सब लोग एक पहले वक्तव्य उनका रहता है कि राहुल जी हमारे नेता हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, सोनिया जी हमारी नेता हैं। और बाकी क्योंकि किसी को नेता नहीं मानना। नहीं, मैं आपको मेरी बात को विस्तृत तो होने दीजिए ना, बताइए। क्योंकि हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, हमारा जो ना राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व निर्धारण होता है, क्षेत्रीय ये जो नेता हैं सारे ये अपने स्तर पर मेहनत करते हैं। माफी के साथ आपको रोकूंगी सर, पिछली डिबेट में आप रहे, मैंने पूछा 10 जनपद से तय नहीं हुआ कि अशोक तंवर को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तब आपने इंतजार नहीं किया था कि हमारे नेता ही ऐलान करेंगे, तो ये आपकी गुटबाजी की एक वानगी है जो कि पैनल पर खुद बोल दी गई है। आपने, मैंने अभी भी कहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि राहुल जी ने उनको रिपीट किया, ये शब्द मैंने तब व्यक्त किया, तब मैं वो प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर रिपीट किया, फिर प्रदेश अध्यक्ष की फोटो क्यों हुई दूसरे मंच पर? अगर हुड्डा जो है रैली के लिए आगे बढ़ते हैं या कोई रैली मंच होता है, क्यों फोटो नजर नहीं आती? रिपीट नहीं किया गया था सर, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं दो जिलों का प्रभारी हूं, पांच राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी दी गई थी, रिपीट नहीं किया गया था। मैं अंबाला जिले का प्रभारी हूं, किया गया था उनकी तरफ से, और मेरी पंचकुला में ड्यूटी लगती रहती है, जितने भी कार्यक्रम होते हैं वहां राहुल जी की फोटो और अशोक तंवर की फोटो लगती है। मैं जिला प्रभारी हूं कांग्रेस का पंचकुला डिस्ट्रिक्ट का, आपके प्रोग्राम में लगती है ना, दूसरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के या किरण चौधरी के प्रोग्राम में तो नहीं लगती है? नहीं, वो कई दफा आप समझो पार्टी प्लेटफॉर्म पे बहुत कार्यक्रम होते हैं, कुछ व्यक्तिगत प्रोग्राम भी होते हैं। अब आप यूं कहो कि किसी शादी समारोह में या किसी मिलन प्रोग्राम में गए हुए हैं वो जाकर के वहां फोटो लगाए, तो तरीका थोड़ा ये रिपीट किया गया। रिपीट भारद्वाज साहब आएंगे आपके पास, आप कमेंट भी कीजिएगा, आप जवाब भी दीजिएगा विस्तार से। अभी फिलहाल जादून साहब, क्या लगता है अशोक तंवर को रिपीट किया गया? अशोक तंवर खेमे के लोग ये बोलते हैं और बाकी जो खेमे हैं वो ये कहते हैं कि चुनाव आयोग को जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बने उस वक्त पांच राज्यों के अध्यक्ष की जानकारी दी गई थी महज चुनाव को देखते हुए। जादौन साहब देखिए, ये राहुल गांधी ने फैसला किया कि किस तरह से उनको जो है रीस्टेट कर दिया एक तरह से प्रदेश अध्यक्ष, और वो चले आ रहे हैं। अब या तो उनको लगता है कि कहीं कुछ इस तरह से जो है सोशल इंजीनियरिंग के कारण इस तरह की जरूरत थी कि उनको रिपीट किया गया, क्योंकि एक दलित फेस भी उनको दिखाना था कि दलित फेस बैठा हुआ है, और इस समय नेशनल पॉलिटिक्स में ये दलित इशू बहुत बड़ा इशू बन चुका है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और तमाम जो है ऐसे कारण बन गए हैं, जो मायावती की सक्रियता, बीएसपी लीडर की सक्रियता, तो इससे लग रहा है कि दलित वोटों का पोलराइजेशन हो सकता है, कोई पार्टी अपने तरीके से ले सकती है। बीजेपी भी एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रही है, चाहे वो एक्चुअल में उनकी पॉलिसीज क्या है, लेकिन फिर भी क्या है कि वो इस तरह का सहानुभूति दिखा रही है कि हम दलितों के साथ खड़े हुए हैं, दलित मुद्दे पर काम कर रहे हैं, तो ये इसके एक बड़ा कारण ये दिखाई देता है। आपके पास, उसके बाद में भारद्वाज साहब आपके पास आ रहे हैं।
देखो ज्योति जी, हमारी पार्टी का जो भी प्रोग्राम बनता है, चंडीगढ़ हमारा ऑफिस है, हमारे पार्टी ऑफिस से सारे प्रोग्राम जाते हैं, चाहे वो अभय सिंह चौटाला जी का प्रोग्राम है, चाहे वो अपना दुष्यंत चौटाला जी का है, चाहे दिग्विजय चौटाला जी का, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे हमारे किसी सांसद का और का प्रोग्राम है, सारे पार्टी ऑफिस से बनते हैं। और कांग्रेस के अंदर और बीजेपी के अंदर अगर आप लाओ भूपेंद्र हुड्डा के जो प्रोग्राम बनते हैं वो रोहतक से बनाते हैं बैठ के ना, तवर के प्रोग्राम बनते हैं तो वो तवर अपने उससे बनाते हैं। सवाल ये है मेरा, जब चंडीगढ़ में बीएसपी और साथ ही इनेलो के गठबंधन का ऐलान किया जाता है, ना दुष्यंत पहुंचते हैं ना दिग्विजय पहुंचते हैं, हालांकि वो रियो में रखे दुष्यंत, ये हवाला जरूर दिया गया, लेकिन दिग्विजय का ना आना, इसमें कहा यह गया कि ये अभय खेमे का गठबंधन है, इसमें अजय खेमे के लोग उपस्थित भी नहीं हुए, ये आपकी पार्टी की गुटबाजी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिग्विजय जी के अपने प्रोग्राम बने हुए, वो अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, दुष्यंत जी के अपने प्रोग्राम बने हुए, वो अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, और जो जल हमारा प्रोग्राम है, जेल भरो आंदोलन, जल युद्ध जो छेड़ा हुआ है, वो हमारे नेता अभय सिंह चौटाला जी ने इस जी जान लगा रखा है हरियाणा के ऊपर है, जल है तो कल है, और जल का जो मुद्दा है वो इतना हरियाणा के अंदर इतनी मांग, क्योंकि पानी के बगैर है क्या, पानी के बगैर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है भारद्वाज साहब, हेलो जी बोलिए। हेलो जी, आपको काफी देर से कोई कमेंट करना है, अभी बालमुकुंद शर्मा जी की किसी बात से आपको आपत्ति रही, बोलिए जल्दी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब तवर जी के साथ कार्यक्रम के अंदर जो उनके साथ हाथापाई हुई, उनको जान से मारने का प्रयास किया गया, तो वो लोग कौन थे, इनकी क्या फायदे जो भी थी, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता कांग्रेस पार्टी के। जहां तक चौटाला जी की पार्टी की बात है, इस पार्टी के अंदर चाहे वो अभय जी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, दिग्विजय जी चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में केवल और केवल चाहे राव इंद्रजीत जी हो, चाहे रामविलास शर्मा जी हो, चाहे वो सुभाष बराला जी हो, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, सबका अगर कोई गुट है तो केवल एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी कमल का चुनाव चिन्ह। मैं इतना कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ देखिए भारतीय राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी राज्य की पार्टी अध्यक्ष पर इस तरह से हमला किया गया हो। कभी पूर्व मुख्यमंत्री जो कि उसी पार्टी से जुड़े हैं, उनके पीएसओ नामजद किए गए हो, छह लोगों को नामजद किया गया हो, मामले के लिए कमेटी गठित की गई हो, फिर आप कहते हैं कि गुटबाजी नहीं कांग्रेस में, नहीं वो विषय मामला विचाराधीन है अदालत में, तो उस पर ज्यादा अदालत में देखो मेरे हिसाब से ना यही तो बात है, अदालत के अंदर हम तो क्या कहेंगे, फांसी लगा दो उनको। देखिए वो आपकी पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी कम से कम नहीं है, जो पुलिस थानों में पहुंच गई, जो अदालत में पहुंच गई, जिसके लिए सड़कों पर अशोक तंवर को आना पड़ा, उसको आंतरिक लोकतंत्र नहीं मिलेगा। फिर ज्योति जी बार बार कांग्रेस पार्टी, ये बात देखिए, मैं यहाँ एज ए प्रवक्ता कांग्रेस बात कर रहा हूँ आपसे, मैं जो बात कर रहा हूँ उस बात को आप समझ नहीं रहे, ये कांग्रेस की कल्चर, जैसे मास लीडर, ये तो उन्होंने माना, क्या बोलते हैं वो राविंदर जीत ने, कांग्रेस में मास लीडर हैं बहुत ज्यादा, जनता उनके साथ है, तो वो जनता में दिखाते भी हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो करते हैं पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में, अशोक तंवर के नेतृत्व में, ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे वो किरण चौधरी हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, और चाहे वो कुमारी शैलजा हो, नेतृत्व अशोक तंवर का, भारद्वाज जी आप, मतलब आप एक प्रवक्ता के तौर पर ये बात नहीं, व्यक्तिगत बात है, तो आप लोगों को भी आनी है, जानना चाह रहा हूँ, पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करते हैं, तो जो कुटाई का प्रोग्राम हुआ आपके लोगों ने किया, आपके पूर्व मुख्यमंत्री का उसमें नाम आया, उनके पीएसओ का नाम आया, तो ये भी क्या काम करने का तरीका आपका ही है, राहुल गांधी के सम्मान की बात करते हैं 2019 में, क्योंकि 2014 में भी देखा गया कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और सजायाफ्ता ओम प्रकाश चौटाला की ओर से कहा गया कि तिहाड़ जेल से शपथ लूंगा, क्या शपथ लिए जाने को लेकर, मुख्यमंत्री बनने को लेकर इस बार भी इस तरह की बातें सामने आएंगी? देखो हमने तो जीत के ना चौधरी ओमपुरा चौटाला जी की झोली में डाल देना है, हमने चौधरी ओमपुरा चौटाला जी को माना है, चौधरी ओमपुरा चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे, आगे जो टेक्निकल प्रॉब्लम आएंगी चौधरी ओमपुरा चौटाला जी करेंगे, आएंगे टेक्निकल, वो तो जनता करेगी और चौधरी ओमपुरा चौटाला जी करेंगे, हमने तो सीटें सारी डाल देनी चौधरी ओमपुरा चौटाला जी की झोली में, लेकिन किसकी अगुवाई में, देखिए सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है आप लोगों को लिया जाना, किसकी अगुवाई में, मैं आपको बता दूं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अगुवाई में इलेक्शन लड़ा जाएगा। चलिए शुक्रिया सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए, वक्त देने के लिए।
तो चर्चा यही की कि राव इंद्रजीत अगर नाराज हैं तो उनकी नाराजगी के मायने कितने हैं और बीजेपी के लिए चुनौती कितना हो सकता है। साथ ही कांग्रेस में जो गुटबाजी सामने आती है, इनेलो में भी मतभेद जो कि कहता है, जो कि कांग्रेस कहती है, बीजेपी कहती है कि चाचा भतीजा की लड़ाई है, ये लड़ाई 2019 में इन तीनों पार्टियों के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। और इसी पर चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।